साथियों, मैं नैन गुरु एस्ट्रोलॉजर आज आपको बताना चाहता हूँ कि शुक्र ग्रह वीनस प्लेनेट 6 सितंबर 2021 को संचार के दौरान अपनी राशि चेंज कर रहे हैं और वो आज की तारीख में कन्या राशि में डेबिलिटेड यानी नीच के होकर संचार कर रहे थे और अब शुक्र ग्रह अब इसके बाद संचार के दौरान तुला राशि में चले जाएंगे। तुला राशि जो है वो शुक्र की अपनी राशि है और शुक्र ग्रह जब अपनी राशि में जाएंगे तो यूं समझिए कि वो काफ़ी फायदा करेंगे। किसको? जिनका शुक्र कुंडली में बहुत अच्छी तरह से बैठे हैं या जिनके संचार के दौरान शुक्र अच्छी जगह आए हुए हैं अच्छे घरों में और या शुक्र ग्रह कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं और दशा में आए हुए हैं, दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा कहीं भी आए हुए हैं। चलिए, शुक्र ग्रह ब्रह्मांड में शुक्र ग्रह को रानी का दर्जा दिया गया है, सूर्य राजा और शुक्र क्वीन, घर में हम पत्नी का दर्जा देते हैं इसको गृहस्थी में। दूसरे, शुक्र ग्रह किस चीज़ के कारक है? ऐशो आराम के, विलासिता के, जितने भी साधन हैं उनके सब के कारक शुक्र ग्रह है और इसके साथ साथ जो उनके साधन हैं विलासिता और भोग विलास वगैरह के उसके भी शुक्र ग्रह कारक हैं। इसके साथ शुक्र ग्रह शादी के भी कारक हैं। शुक्र ग्रह आपके जितने भी स्टेटस मिलता है यानी के पदवी मिलती है, राजपद है या कोई सर्विस पद है, इस तरह से उसके भी कारक ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी इंतज़ाम करना है वो शुक्र ग्रह को ही करना है, तो इस वास्ते उसके भी कारक ग्रह हैं। और आपकी एजुकेशन वगैरह में अगर फिफ्थ हाउस में कहीं शुक्र बैठे हैं, कहीं अच्छे अपनी राशि में या उच्च के होके, तो यूँ समझिए कि आपको टॉप की एजुकेशन और अच्छी जगह से टॉप के कॉलेजों से टॉप की यूनिवर्सिटीज से दिलवाते हैं। इसी तरह से शुक्र ग्रह कर्मों के अनुसार अगर दसवें घर में ठीक जगह तरह से बैठे हैं अपने ही घर में या अपनी राशि में और या उच्च राशि वगैरह में या मित्र राशि में, तो वो आपके कर्मों के अनुसार आपको उच्च पदवी भी दिलवाते हैं, राजयोग राज सम्मान दिलवाते हैं। इसी तरह शुक्र ग्रह अगर 12वें घर में बैठे हैं अपने घर राशि में या अपने मित्र राशि में या उच्च के होके, तो यूँ समझिए कि आपको विदेश में आपको सम्मान दिलवाते हैं, पैसे दिलवाते हैं और काफ़ी साधन भी बनवाते हैं आपके। चलिए, अब शुक्र ग्रह का तुला राशि में चलन है तो उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा फायदा आज की तारीख में धनु राशि के जातकों को होगा। ध्यान से सुन लेना धनु राशि वालों, अगर आपके कुंडली में भी शुक्र ग्रह सही बैठे हैं तो यह समय है आपका हर लिहाज से, चाहे वो शादी है, चाहे वो राज सम्मान है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो एजुकेशन है, हर लिहाज से आपको फायदा करेंगे। तो आप इसका इस संचार के दौरान इस ग्रह का फायदा ज़रूर उठाएं। नंबर दो, शुक्र ग्रह तुला राशि को बहुत फायदा देंगे क्योंकि अपनी राशव राशि आ रहे हैं तो वहाँ वो बहुत फायदा देंगे। तो तुला राशि के जातकों के लिए भी जैसे मैंने अभी बताया उसी तरह से सभी चीज़ों में फायदा करेंगे। इसी तरह से शुक्र ग्रह अगर आपके कर्क राशि है तो आपके चतुर्थ भाव में आकर जो है वारे न्यारे करेंगे आपके,
भूमि भवन वाहन वगैरह अच्छा आपको सुख साधनों का इंतजाम करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कर्मों के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार। और इसी तरह से अन्य राशि वालों को भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं तो उनको भी काफ़ी फायदे के आसार हैं। आप देखेंगे कि शुक्र ग्रह काफ़ी फायदा करते हैं। चलिए अब बात है कि शुक्र ग्रह मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कहाँ डील करते हैं। आपकी नाभि के नीचे के जितने भी रोग हैं प्राइवेट पार्ट्स के, उनको डील करते हैं। प्रजनन क्रिया को भी डील करते हैं। तो अगर शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में ख़राब हैं, पर्टिकुलरली लेडीज़ को बताना चाहता हूँ, तो आप ज़रूर कुंडली का विश्लेषण करवाएं और उसकी रेमेडीज लें, ताकि अगर आपके शुक्र ग्रह खराब हों तो आप उसका इलाज भी करें और उसकी रेमेडीज भी करें। इसी तरह से शुक्र ग्रह, मैंने बताया कि व्यापार आजकल काम नहीं मिलता, काम के लिए दुनिया परेशान हुई फिर रही है, तो छोटे व्यापारी बहुत परेशान हैं और बीमारियां बहुत तंग कर रही हैं कोरोना की वजह से। कोरोना ही एक ऐसी समस्या पैदा हो गई है जो सबको तंग कर रही है। तो आप ऐसे समय में काम के लिए छोटे रोज़गार हैं, जैसे कॉस्मेटिक के काम हैं, कोई जो भी छोटे काम शुक्र से रिलेटेड हैं आपके, उसे आप छोटे मोटे अगर आपकी कुंडली में शुक्र ठीक हैं तो शुरू कर दीजिए, अगर ठीक नहीं है तो रेमेडीज़ करवा के आप उन कामों में फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिल्मी दुनिया के कारक ग्रह हैं शुक्र ग्रह, तो आप अगर अच्छे एक्टिंग में या उसमें जाना चाहते हैं और कुंडली में ठीक है, तो संचार के दौरान शुक्र ग्रह का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैंने बताया कि शुक्र ग्रह के फायदे आपको राज सम्मान में भी, सर्विस में भी, एजुकेशन में भी, शादी विवाह में भी, इन रिलेशन आप हैं कहीं या लव अफेयर्स में आप हैं और शुक्र ग्रह कुंडली में इस टाइम अगर आपके खराब चल रहे हैं, तो आप ज़रूर विश्लेषण करवाएं और उसकी रेमेडीज ज़रूर लें। क्या है शुक्र ग्रह की रेमेडीज, मैं आपको बात बताऊं। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीनी काली कीड़ियों को ज़रूर खिलाएं। अगर आपका शुक्र ग्रह कहीं आपके गलत जगह बैठे हैं या और दशांतर दशा में भी आ गए और गलत जगह बैठ के या नीच के होके बैठे हैं कहीं, तो आप ऐसा उपाय करेंगे। ओम शुम शुक्राय नमः सिंपल सा मंत्र है, आप उसका उच्चारण करें और इसके साथ साथ जितना हो सकता है शुक्र ग्रह के लिए, अगर आप माता लक्ष्मी की भी उपासना करेंगे, माता लक्ष्मी को आप गुलाब का फूल चढ़ाएं और इसके साथ साथ अपनी श्रद्धा अनुसार सफ़ेद गाय को अगर आप रोटी पे जो है मीठा रख के, यानी चीनी वगैरह रख के, उसको घी से चौपड़ के और उस पर मीठा रख के आप सफ़ेद गाय को खिलाएंगे, तो भी शुक्र ग्रह आपको यानी कि फ़ायदा करेंगे। तो जो मैंने उपाय बताए इस संचार के दौरान आप ये करिए। और आपका अगर शुक्र ग्रह ठीक है तो आप शुक्र ग्रह से संबंधित चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। हाँ, मैं एक बात बताऊँ, अगर शुक्र ग्रह आपके बुरे हैं तो अपने आप सिम्टम देंगे, बुरे व्यसनों में न जाने की कोशिश मत करना, ऐसे समय में बुरे व्यसनों में मत फंसना, नहीं तो शुक्र ग्रह फिर बदनामी का कारक भी बनते हैं और परेशान भी कर देते हैं। तो आप शुक्र ग्रह का संचार के दौरान ठीक नियमानुसार जो है उनकी उपासना, पूजा उपासना करें और इसके साथ साथ जितना हो सकता है आप उनकी रेमेडीज करें और इसके साथ साथ शुक्र ग्रह का संचार का आप फायदा उठाएं, तो वो आपके लिए शुभ होगा। और आपके लिए शुभ है तो अपने आप ही देश प्रदेश संसार के लिए शुभ होता चला जाएगा। इसी के साथ मैं नयन गुरु एस्ट्रोलॉजर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें
और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।